ऑलराइट गाइस, तो अभी बाइक मेरे हाथ लग चुका है 33 सेकेंड गियर का चेक करते हैं अभी इस पे बजाज का। तो वो लोगों ने कुछ एक टीजर ड्रॉप किया है मई 3 तारीख को, कुछ वो लोग का एकदम बहुत ही बड़ा सा कुछ पावरफुल बाइक एक लॉन्च होने वाला है। 80 चला गया, 82 हाईएस्ट थर्ड गियर पे, अच्छा खासा है पावर यार, अंडर एस्टिमेट कर रहा था मैं। तो अभी मैं मूसी वाले का चप्पल पहन के घूम रहा हूँ और अभी शाम होने वाला है। टैंक, ये फ्यूल टैंक बहुत बड़ा है, यूज है, KTM ड्यूक जैसा है, खतरनाक दौड़ रहा है ये बाइक। पावर देखिए ना, क्या सही है बाइक, पूरा खूबसूरत। यो राइडर्स, तो कैसे हो, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और अभी फिलहाल मैं हूँ रॉयल एनफील्ड सर्विस सेंटर पे, पार्टी जालू पड़ी, रॉयल एनफील्ड चिराग पे हूँ। और अभी हम लोग का जो क्लासिक ट्रिविट है उसका कुछ प्रॉब्लम निकला है, तो जनरल सर्विसिंग के लिए भी दिया है और फ्रंट सॉकेट जो है उससे कुछ ऑयल लीकेज हो रहा है, तो ये सब के लिए दिया है। तो अंदर अभी सर्विसिंग चालू है और ये सब खत्म होने के बाद मैं इधर आज हीरो शोरूम पे एक्सट्रीम 125R निकला है, तो उसका थोड़ा बहुत आज टेस्ट ड्राइव के लिए भी देखेंगे, अगर मिलता है तो टेस्ट ड्राइव करेंगे और फिर थोड़ा बहुत रिव्यू कर देंगे। और 125cc के हिसाब से बाइक्स का लुक क्या खतरनाक दिया है, पूरा जाके आज पूरा देख के आएंगे और थोड़ा बहुत ट्राई करेंगे आप लोगों के लिए, थोड़ा सा डिटेल्स आप लोगों को देने के लिए, तो मज़ा आएगा। चलिए, और एनफील्ड का सर्विसिंग खत्म होने से यहाँ से निकलेंगे, उसके बाद जाएंगे सीधे हीरो शोरूम पे, लेट्स गो। और गाइस, अभी एनफील्ड का सर्विसिंग हो गया है, देखिए सर्विस सेंटर से मैं निकल के आ चुका हूँ और अभी जा रहा हूँ सीधा हीरो शोरूम पे, लेट्स गो। बहुत देर हुई है, 5 बज गए यहाँ पे और दोपहर का कुछ खाना भी नहीं खाया मैंने अभी तक। तो मैं जालुकबाड़ी से अभी सीधा जा रहा हूँ मालीगांव पे, और आते टाइम मैंने चप्पल पहन के आया था मेरा, वो क्या बोलते हैं उसको, कोल्हापुरी चप्पल पहन के आया, तो वो मैंने सिलाई के लिए दिया था, तो मेरा चप्पल टूट गया था। तो अभी मैं मूसी वाले का चप्पल पहन के घूम रहा हूँ और अभी शाम होने वाला है। ओ भाई, चलिए अभी जल्दी से वो चप्पल देना है और चप्पल लेना है, फिर सीधा शोरूम पे जाना है, मुझे पूरा लेट हो गया, इतना टाइम लगा सर्विस सेंटर में भाई, पूरा दिन पूरा वैसे ही गया मेरा, वेट करते करते चला गया। चलिए, और ये ट्रैफिक भाई यार, सर्विस सेंटर से निकलने से पहले मैंने हीरो शोरूम पे कॉल किया था जहाँ पे मैं जा रहा हूँ अभी, तो बोला है कि बाइक अवेलेबल है और टेस्ट ड्राइव भी अभी अवेलेबल मतलब करने के लिए दे रहे हैं वो लोग, तो अभी सीधा जाएंगे वहाँ पे टेस्ट ड्राइव के लिए। बस ज़्यादा देरी नहीं होना चाहिए, अभी थोड़ा सा अंधेरा होने लगा है धीरे धीरे भाई, दोपहर में करना था मुझे ये वीडियो और अभी शाम होने वाला है, तो जल्दी जितना जल्दी हो सकता है जल्दी जाना है, रात होने से पहले वीडियो बनाना है। भाई भाई भाई, हमेशा मतलब काम में कुछ ना कुछ हो ही जाता है, लेट हो ही जाता है मेरा। और मैं आज हीरो शोरूम पर जा रहा हूँ क्योंकि 125cc के हिसाब से बाइक का जो लुक बना है ना गाइस, क्या बताऊँ, मतलब पूरा खतरनाक बोला दिया। और इंडियन मार्केट भी मतलब कैसा है देखिए, मतलब वो लोग डेवलप करने के लिए नहीं सोचते हैं, अभी मार्केट पे मतलब लुक्स मैटर करने लगा है, ठीक है, तो इसलिए वो लोग ज़्यादा लुक्स पे मतलब फोकस करें, नहीं तो बात देखिए आप लोग प्रीवियस वाले बाइक सब कुछ देख लीजिए कैसा मतलब लुक्स है, एकदम मतलब अंकल टाइप, यू नो, अच्छा नहीं लगता है। तो अभी जब मार्केट पे अच्छी अच्छी लुक्स का मतलब डिमांड बढ़ गया है, तो इसलिए वो लोग अभी लुक्स पे थोड़ा सा फोकस करने लगे, नहीं तो बाप रे बाप, वो लोग जो अंकल टाइप से भी बाइक्स बनाते हैं कम सीसी वाले, तो कम सीसी वाले तो क्यों, मतलब इज्जत नहीं देना है क्या वो लोग को, बाइक से तो है ना। तो चलिए, अभी पहुँच ही चुका हूँ ब्रिज के नीचे, यही कहीं पर दिया था मैंने, तो जल्दी वो कर लेते हैं और सीधा चप्पल लेके निकलते यहाँ से। और गैस, तो मैंने चप्पल ले लिया है चाचा से, ले लिया है मूसी चाचा से, क्या बोलते हैं मूसी, तो ये देखिए मेरा चप्पल ये था, क्या बोलते हैं इसको, कोल्हापुरी। तो अभी जा रहे सीधा शोरूम पे, बहुत लेट हो गया। तो सुबह मैंने 10 बजे कॉल किया था, उन लोगों को बोला था कि मेरे लिए वो अपॉइंटमेंट लेके रखो, तो पता नहीं क्या किया मतलब बंदा पूरा लेट करवा दिया मेरा। डीलर लोग स्कैम हो गया आजकल, ओ भाई आगे जाम क्यों लगा हुआ है। चलिए, ऑलराइट गाइस, तो अभी बाइक मेरे हाथ लग चुका है, पावर में क्या डिफरेंस होगा मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं 125cc का बाइक तो मैं चलाता नहीं उतना, पापा का एक है लेकिन मैं रेगुलर थोड़ी चलाता हूँ, तो मैं रेगुलर नहीं चलाता तो मुझे उतना भी पता नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा फील कर रहा हूँ कि थोड़ा बहुत तो पावर है उसमें। बाकी टैंक बढ़िया सा बल्की है, तो दिखने में दूर से बहुत अच्छा लगेगा, लुक्स बढ़िया है उसका, मैंने शोरूम पे घुसते ही मैंने देखा,
तो लुक्स बढ़िया था दूर से, मतलब रोड प्रेजेंस भी बहुत बढ़िया है इसका, दूर से दिखने में बहुत अच्छा लगेगा। 80 चला गया, 82 हाईएस्ट थर्ड गियर पे, अच्छा खासा है पावर यार, अंडर एस्टिमेट कर रहा था मैं। थर्ड गियर में अगर 82 गया होगा तो सोचिए और दो गियर और बाकी है। अच्छा ये, और मुझे जल्दी जाने के लिए बोला है तो मैं और थोड़ा सा आगे जाके आता हूँ, थोड़ा सा चला ही लेते हैं। ढेर सारा फीचर्स है तो कोई भी नहीं बोले कि 125cc का ये बाइक है, तो अच्छा लगा। और कभी कभी रिव्यू करना भी अच्छा लगता है मेरे को, क्योंकि एज अ मोटो व्लॉगर तो बाइक से रिलेटेड कुछ भी मतलब आप लोगों को अपडेट करते रहने पे मुझे मजा लगता है। तो आगे पे टर्न है, यहाँ पे यू टर्न करो या फिर ब्रिज के ऊपर से, चलिए ब्रिज के ऊपर से आते हैं, यहाँ से टर्न नहीं करते, ब्रिज के ऊपर जाएंगे अभी। और 125cc के बाइक के हिसाब से थर्ड गियर पे 82 बहुत ज़्यादा है यार, बहुत ज़्यादा है। फर्स्ट गियर पे मैंने टेस्ट नहीं किया है, आगे से यू टर्न करके आते हैं उसके बाद देखेंगे। बाप रे, गाड़ी लेकिन पूरा दौड़ रहा है यार। और ये हैजर्ड लाइट का बटन है क्या भाई, ये हैजर्ड लाइट क्या कर रहे हैं ये 125cc बाइक के? देखिए ये हैजर्ड लाइट का बटन है, तो 125cc का बाइक में हैजर्ड लाइट क्या कर रहे हैं भाई? और मेरा KTM RC 200 है भाई, करीब करीब 2,50,000 का बाइक है और वहाँ पे एक हैजर्ड लाइट का बटन नहीं दिया यार, मुझे एक्स्ट्रा करके लगाना पड़ा हैजर्ड। ओ भाई, स्टार्ट ऑफ हो गया अचानक से, पता नहीं ये प्रॉब्लम निकला है। देखिए रनिंग पे ही देखिए स्टार्ट ऑफ हो गया था, जस्ट मैंने अभी सेल्फ मार के स्टार्ट किया है। देखिए चलिए यहाँ से टर्न कर लेते हैं, और कहीं पे रुक के आप लोगों को बाइक का लुक्स चेक करवाना था, और अभी कहीं पे देखेंगे कहाँ लाइट ज़्यादा होगा तो वहीं पे थोड़ा सा बाइक का लुक्स चेक करवाएंगे आप लोगों को। शाम हो गया यार, बहुत लेट हो गया आज, खतरनाक दौड़ रहा है ये बाइक, पावर देखिए ना, बहुत सारा अपग्रेड किया ये लोगों ने, अच्छा लगा। और टैंक, ये फ्यूल टैंक बहुत बड़ा है, यूज है, KTM ड्यूक जैसा है, तो बैठने पे भी अच्छा लग रहा है और फ्रंट से लुक्स भी बहुत बढ़िया आएगा, साइड प्रोफाइल हो या फिर फ्रंट से। बाकी बैक वाला लुक अभी तक मैंने अच्छे से दिखा नहीं है, रेयर वाला लुक तो अभी दिखने वाला है, और अभी जाएंगे सीधा ब्रिज के ऊपर से, चलिए मज़ा आने वाला है। खींचता लेकिन क्या करूँ, अभी रोड खाली नहीं है, आगे ट्रैफिक जाम भी, और यही कहीं पर रुक के मैं लुक्स चेक करवा देते हैं ना कि आप लोगों को। इतना भी लाइट नहीं है जितना होना चाहिए, क्या ये ABS इंडिकेट कर रहा है? और यहाँ पे शायद ABS होना चाहिए फ्रंट पे, हाँ देखिए फ्रंट पे ABS है, पीछे रेयर पे ABS नहीं है। और पूरा प्रॉपर लुक देख लीजिए एक बार, सही है, बहुत ही बल्की बना है ये सब, अभी इंडिकेटर अच्छा है। और ये फ्रंट वाला लुक्स देखिए एक बार यार, क्या सही लुक है, सही है। अभी यहाँ पे डबल स्टैंड भी दिया हुआ है, हाँ डबल स्टैंड भी दिया हुआ है, और अभी फ्रंट लुक चेक करवाता है, पूरा सीधा कर दिया बाइक, चलिए देखिए एक बार स्टार्ट करके देख लेते, पूरा न्यूट्रल पे है ना, देखिए अभी पूरा हेडलैम्प जल गया है, क्या सही है बाइक, पूरा खूबसूरत, ये कसम से बता रहा हूँ पूरा जीनोसो जैसा लग रहा है, और डुकाटी स्ट्रीट फाइटर, ओ भाई। चलिए अब और बाकी ये देखिए पूरा ओवरऑल लुक्स, पीछे का लुक्स देख लीजिए, और अच्छा खासा लाइट आ रहा होगा अभी तो। ये रहा ये नंबर, ये बाइक किसी के नाम पे रजिस्टर्ड है, चलिए अभी। और ये बाइक प्रोड्यूस करता है आपका 11.4 BHP एट 8200 RPM, और टॉर्क है 10 Nm एट 6000 RPM, ऐसा कुछ होगा, आसपास ही होगा, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, आसपास ही है, 6000 ही होना चाहिए। बाकी अभी फर्स्ट गियर पे डलते हैं और एक बार टॉप स्पीड चेक करते हैं इसका फर्स्ट गियर का, चलिए फर्स्ट गियर पे देख लीजिए 33, सेकेंड गियर का चेक करते हैं अभी 33 गया था 57 यार, पे बहुत जा रहा है यार, 81 क्या इस बार भाई, थर्ड गियर पे 80,
कसम से 125cc का बाइक है, हीरो ने क्या अपग्रेड किया है इस बार, मजा आ गया। अभी बाइक को रिटर्न करना है जल्दी से, मुझे घर भी जाना है और वहाँ पे लाइट भी शायद अच्छा खासा मिला होगा शायद, कैमरे में पता नहीं अच्छे से दिखा कि नहीं आप लोगों को। तो चलिए, अभी रिव्यू थोड़ा बहुत मैंने कर दिया है और मुझे बाइक का लुक्स बहुत ही अच्छा लगा एज अ 125cc का बाइक। ये बाइक का लुक्स बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है, हीरो ने बहुत ही बढ़िया से एक अपग्रेड किया है और पावर बहुत बढ़िया दे रहे हैं यार, कसम से बता रहा हूँ। थर्ड गियर पे 82 तक गया था फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया था और अभी 81 तक गया है। बाकी फ्रंट लुक के बारे में आप लोग कॉमेंट कर दो, फ्रंट लुक कैसा लग रहा है, ठीक है। बाकी NS की तरफ से इंस्टाग्राम पे मैंने फॉलो करके रखा था, NS मतलब ऑफिशियल पेज पे बजाज का, तो वो लोगों ने कुछ एक टीजर ड्रॉप किया है। मई 3 तारीख को कुछ वो लोग का एकदम बहुत ही बड़ा सा कुछ पावरफुल बाइक एक लॉन्च होने वाला है। वो लोग बता रहे हैं कि NS 400 ही आने वाला है, तो देखते क्या होता है। तो चलिए अभी वो रहा शोरूम, बाइक देने जा रहा हूँ अभी जल्दी मैं, चलिए। और गाइस, तो मैं अभी घर पहुँच चुका हूँ और मैंने प्राइस लिस्ट के बारे में बोला ही नहीं, तो जल्दी से आप लोगों को बता देते हैं और वीडियो पोस्ट करके आप लोग ये प्राइस लिस्ट देख लीजिए। तो 2024 अप्रैल का ये वाला प्राइस लिस्ट है, देखिए। एक होता है एक्सट्रीम 125 IBS और एक होता है एक्सट्रीम 125 ABS, ठीक है। तो IBS का दाम होगा गुवाहाटी पे हम लोगों का 1,15,000 और ABS का होता है 1,23,000 और बाकी दूसरे स्टेट पे पता नहीं क्या कुछ होगा, गुवाहाटी पे बोला है 20,000 डाउन पेमेंट और ऑन रोड का प्राइस है 1,23,000 ABS बोला और नॉन ABS का 1,15,000, ठीक है। तो यही था और आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, टिल देन टेक केयर, टाटा सी, बाय बाय।